रिपीट हो रहा है 47। आगे बात करते हैं भाई 48। 48 ज़रा समझ लो भाई क्या कहता है। 48 थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। कहता है एट द एंड ऑफ अप्रैल डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक शोड एंट्रीज ऑफ 80 एंड 60। क्या कह रहा है? डिस्काउंट डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड हो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड पर। मतलब दो अलग अलग डिस्काउंट है यार। अभी हमने बात की मंथ एंड पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड का एक अकाउंट बनाएंगे और जो टोटल होगा, टोटल कितना है 80 और 60 का ऐड कर लो 140 डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देंगे और रेफरेंस में लिख देंगे टोटल फॉर द मंथ, टोटल फॉर द मंथ पूरे महीने का जितना भी है टोटल। लेकिन जो कस्टमर के अकाउंट हैं उनको अलग अलग बनाना पड़ेगा सेल लेजर में। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए को अगर हमने डिस्काउंट दिया 80 तो मिस्टर ए को क्रेडिट करेंगे 80 से और मिस्टर बी को क्रेडिट करेंगे 60 से। रेफरेंस में लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। यार ये क्या मजाक है, कस्टमर को अलग अलग डेबिट कर रहे हैं और डिस्काउंट अलाउड में एक साथ एंट्री बना रहे हैं। यार इसलिए क्योंकि कस्टमर को अलग अलग एंट्री बनाना ज़रूरी है, पता चले हमने मिस्टर ए को कितना डिस्काउंट दिया है और मिस्टर बी को कितना डिस्काउंट दिया है। इसलिए कस्टमर की एंट्री हम बनाएंगे अलग अलग, लेकिन सप्लायर की हम एक साथ ही बना देंगे। डिस्काउंट अलाउड को हम एक साथ ही बना देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज बनाए, एक साथ पूरे महीने में जितने भी हैं। तो एंट्री क्या बनी भाई, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा एक साथ पूरे महीने में और इंडिविजुअल डेटर अकाउंट अलग अलग क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो